और इनका तो अभी तक सेट नहीं हो रहा है बाल। घर से आ गया पप्पू पेलू, इसका उर्फ नेम है पप्पू पेलू। तो फाइनली हम लोग का सामान लोड हो गया है, देख सकते हैं। उड़ते हुए जो बंदा ट्रेन नहीं पकड़ा है वो एक टमटम को पकड़ रहा है। इधर सभी लोग का है, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों अभी हम हैं फिलहाल अपने रूम में और अभी हम लोग चलने वाले हैं एक जगह पर, और क्या कुछ आज होने वाला है आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अपने यहां से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। ये देखिए कराही पत्तल और सारा सामान इधर है, और इधर है हम लोग आज बांकुदा। और इनका तो अभी तक सेट नहीं हो रहा है बाल, दूसरा मत समझिएगा। और इधर है ये करण जौहर, इधर बपुन सरकार, उधर है वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, बाद में बताएंगे इसका इंट्रोड्यूस, थोड़ी देर में कराएंगे। इधर से आ गया पप्पू पेलू, इसका उर्फ नेम है पप्पू पेलू, और आगे क्या है वो बाद में पता चलेगा। तो फाइनली हम लोग का सामान लोड हो गया है, देख सकते हैं। यह हमारे पप्पू पेलू जो कि ड्राइवर बन गए हैं। हम लोग का गाड़ी नहीं चल रहा था तो इसको, इस पप्पू पेलू को उतार दिया गया, और इसको देखिए पैदल आ रहा है। ओए आइए दौड़ के आइए, ओए पप्पूदा। उड़ते हुए जो बंदा ट्रेन नहीं पकड़ा है वो एक टमटम को पकड़ रहा है। फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और भी बहुत सारे बस भी लगे हैं जो कि दूर दराज से आए हैं, और हम लोग का सामाना इधर उतर रहा है, और जो सामाना लेकर आए थे हम लोग रूम से, और हम लोग का साथी सब लोग इधर है। देखिए देख उधर चल जाएगा रे, राहुल भी आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये टमटम तो खाली हो गया, छोड़ दो ना पानी में जाएगा। और ये हम लोग का सामान है। फाइनली अब जो है बपुंदा का जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी फटाफट देखिएगा किस स्पीड से गाजर को इधर, चकुंदर को इधर, प्याज को काटते हैं। और ये है राहुल, इधर हमारे देवरीदा, और उधर सब नदी के नीचे गए हैं जो कि सामान को धोने के लिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे पहले बर्तन को धुलाई किया जा रहा है, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। ये पूरा जे देख सकते हैं, पूरा चोरी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पर हम लोग अभी उपस्थित हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग अभी फिलहाल इस जंगल में से चोरी करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये दाव रहा, इस दाव से अभी हम लोग एक तो बांस काटेंगे। देखा देखा, चलिए क्योंकि स्क्रीनिंग बनाना है यहाँ। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग तो इधर आ गए, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ बांस मिला नहीं जो कि एक उपयोग करने योग्य होगा फिर भी। लेकिन इधर जो है हमारे साथ जो करण आए हैं वो बांस को काट रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। एकदम प्रकृति से लैस हम लोग इस व्यू पॉइंट पर हैं। उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया, हम लोग जैसे तैसे दो तीन बांस काटा है, देख सकते हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं। फाइनली हम लोग का जो है खाना बनाना स्टार्ट होगा, अभी दाल बन रहा है। नूल है और मुंह में क्या लगा रहा है, भाग रहा है। देखिए आज जो हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, ये सब जो खाना बन रहा है ये सब जितना भी देख रहे हैं, दरअसल इसके ये जो लड़का दिख रहा होगा आपको, ये दरअसल लड़का नहीं है। अब ये जो है दो जन हो गया, यानी मर्द बन गया है। इसी खुशी में क्या संजय दा, इसी खुशी में ये पार्टी दे रहा है। हाँ, और बताइए कुछ क्या क्यों आप पार्टी दे रहे हैं हम लोग को? आनंद पार्टी दे रहे हैं, तो पिकनिक हो रहा है। हाँ पिकनिक तो हो रहा है, लेकिन ये आपके तरफ से किया जा रहा है, और इसके साथ में सहयोगी पीछे जो इसके पीछ फले
बैठे हैं। ये भी लड़की देख रहा है। हाँ, इसका तो अभी लड़की सेट नहीं, इसका लड़की सेट होने के कारण ये पार्टी दे रहा है। तू कब पार्टी देगा? हाँ, लड़की सेट होगा तब। और तू जो यहाँ पर बैठा है देखना पीछे गिर और बच्चा होने का पार्टी देगा। हाँ 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 हाँ। और इधर है, देख सकते हैं हम लोग। हमारे मेट क्या कर रहे हैं इधर देखिए। ये है हमारे मिस्त्री साहब। देखिए इधर बॉम्बू में क्या क्या लगा दिए हैं, आग लगा दी। इधर राहुल रिपोर्टर के साथ 500 का नोट दिखाते हैं। इसका भी मैं 500 छीन लेता हूँ, रुकिए। और ये है हमारे जाने माने कलाकार। हाँ, एक बार में एक स्लीपर को उठाने वाले। वाह, ताकत देख सकते हैं। पूरा हम लोग इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे देख सकते हैं क्या सीन है यहाँ का। सभी लोग इधर खाने के लिए बैठ गए हैं। और देख सकते हैं पहले जो हम लोग के बुजुर्ग हैं उसको खिलाया जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। इधर सभी लोग खा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा पिकनिक पैलेस में। इधर देखिए ब्रह्मपुत्रा में एक तो शिप आ रहा है, बहुत दूरी में है। देखिए हम लोग का पार्टी चल रहा है और इधर से एक सौ सीप आ गया है जो कि सामान लेके जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और ये गुवाहाटी तरफ जा रहा है। अच्छा सॉरी, गुवाहाटी से इधर जा रहा है, उल्टा हो गया है। ए, खाना किंतु खराब नहीं हो रहे। ये एक सिप गया नहीं कि दूसरा सिप फिर से आ गया। और दूसरा सिप यहाँ दिख रहा होगा आपको, बहुत जूम करेंगे तो बहुत छोटा दिख रहा है, जो कि एक सिप यहाँ हमारे नजदीक जा रहा है। और इधर हम लोग का खाना जो है लगभग में हो गया है। तो फाइनली हम लोग का जो है खाना उना खा लिया है और बर्तन सफाई हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, बाहर ही है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने रूम के पास। ये मछली को भी थोड़ा सा भोजन दे रहा है। हाँ, देख सकते हैं दे दिया। इधर तो ब्रह्मपुत्र में मछली ही मछली है, उसको भी दे रहा है ये भोजन। अच्छे से दीजिए, हाँ आपका बहुत बहुत पुण्य होगा। हाँ, हो गया। तो फाइनली हम लोग जो है आज के पिकनिक को हो गया समाप्त। और अभी हम लोग का देखिए समाना इधर समेट गया है। और अभी हम लोग का गाड़ी आने से फिर हम लोग चल देगा अपने रूम की तरफ। और देखिए, और ये यादगार का पल रहेगा याद, क्योंकि हम लोग फिर से आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी में। सौदागर चलाएंगे, चलिए। तो समाना लोडिंग हो रहा है, अब तो हम लोग चलने वाले हैं बाइक से इस बार। और इसमें रखने के बाद हम लोग रूम पहुँचते हैं। लोग देखिए बहुत दूर से आए थे बस से, सभी सवार हो गए हैं। और ये लोग भी जा रहे हैं सब। पिकनिक स्पॉट है इसीलिए किरणें कुछ इस प्रकार से अस्त होते हुए और हम लोग अपने रास्ते को चीरते हुए हम जो को देख सकते हैं। खड़े बन है और पंडित जी हम लोग को गाना सुनाते हुए जा रहे हैं। दिल से बेहतर लगने लगे। और ये रहा, देख सकते हैं क्या सीन है। रोड तो टूटा है लेकिन दृश्य बहुत अच्छा है। ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं, अभी तो हम लोग पहाड़ों के बीच में हैं। दरअसल हम लोग पहाड़ के चारों ओर घूम रहे हैं। और अब यहाँ पर एक तो गेट मिलेगा जो कि त्रिशूलधारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी से जा ही रहे थे कि देख सकते हैं ये क्या कुछ समाना है, यानी चार टैंक है, बड़ा बड़ा टैंक है। और ये तो कहें तो क्या है पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा विशाल है। और ऐसा ऐसा चार टैंक है यहाँ। दोस्तों देखिए, ये बड़ा बड़ा टैंक यहाँ जो आया है पता नहीं किस चीज़ का है।
और हम लोग इसी रास्ते से जा रहे थे तो थोड़ा सा देखा, ये नदी में है फिलहाल। देखिए ये तो, ये जो बोट दिख रहा है ये बहुत ही विशाल है और किस चीज़ का लग रहा है इसे तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है। देखने में ये आपको छोटा नज़र आ रहा होगा लेकिन दरअसल ये बहुत बड़ा है और ये एक मिसाइल जैसे होता है ना वैसे ढंग का है कुछ बनाया हुआ। फिलहाल मैं अभी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में हूँ और देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है। और भी ये तो दो मशीन हो गया और इसके साथ साथ और भी दो मशीन है जो कि आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके पीछे एक तो लॉन्च लगा हुआ है। ये देखिए इधर, ये भी बहुत बड़ा विशाल है और रस्सा, ये जो है रस्सी, ये बहुत मोटा है। ये नहीं है अगर हम लोग बोले अपना में 10 रस्सी को मिलाएंगे तो एक रस्सी ऐसा है, ऐसा बना हुआ है। और ये रहा दृश्य यहाँ का, बोट में कुछ आदमी भी नज़र आ रहे हैं, छोटे दिख रहे होंगे लेकिन बहुत बड़े हैं ऐसा है। और इधर एक भी और मशीन है, देखिए ये रहा, ये इधर से बोले तो एक ये हो गया, दो और तीन और उधर चार। फाइनली दोस्तों हम लोग रूम आ गए और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करने वाले हैं। और दरअसल आप बताऊं तो आज एक दोस्त का या बोले तो एक साथी का, तो उसमें उसका शादी हुआ था तो उसी पर एक पार्टी हुआ था और साथ ही साथ उसी के साथ पिकनिक भी था, तो इसलिए हम लोग सभी मिलजुल कर गए और बहुत अच्छा लगा। और आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना जो प्यार देते रहिए इस चैनल पर और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।